हमारा तो जन्म ही चपरासी क्वार्टर में हुआ फैक्ट्री के नेता प्रतिपक्ष कृपया महोदय, मैं सबसे पहले अपनी बहन श्रेयसी सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से यह तो पता चला कि प्रतिपक्ष के नेता चरवाहा विद्यालय या पहलवान विद्यालय में नहीं पढ़कर दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़े हैं वे, और वह दिगर बात है कि वे डिग्री नहीं प्राप्त कर सके। यह सही है बोल रहे हैं, ये पूछते हैं यह ठीक है, लेकिन चरवाहा विद्यालय जिसके लिए आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उसकी ख्याति प्राप्त है, तो आपके आपके पिताजी ने जिन्होंने उसे खोला उन्होंने क्यों नहीं आपको पढ़ाया? अगर वह चरवाहा विद्यालय उतना उपयोगी था तो आप उसे उन्हें पढ़ाते। ये गरीब गुरबे की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय खोलते हैं लेकिन अपने बच्चे के नामांकन के समय में जब मौका मिलता है तो वे नामांकन नहीं लेते हैं, कराते हैं, और तथाकथित बच्चे बड़े विद्यालयों में जाकर के अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं। दिगर बात है कि उनके बच्चे डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं, जिस विद्यालय की स्थापना वे खुद की करते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था पर उनको खुद का भरोसा नहीं रहता है। प्रतिपक्ष के नेता ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख आर्टिकल लिखे थे, आर्टिकल को पढ़ने का मुझे मौका मिला। डिग्री तो माध्यमिक स्तर तक वे प्राप्त नहीं कर सके लेकिन पेपर में कॉलम लिखते हैं, कैसे लिखा या तो वे बेहतर ही बता सकते हैं या मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पावर टू मुखिया टू डायरेक्टली रिक्रूट टीचर एंड सेट द टेबल प्रेसिडेंस ऑफ हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही शिक्षा मित्र की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, आप जब पत्र ये लिखते हैं कि वह मुखिया सही नहीं किया तो आपने क्यों दिया यह अधिकार? हम तो उनको जानकारी बताना चाहेंगे कि दो मुख्यमंत्री के हम पुत्र हैं, शायद ही ऐसा नसीब और ऐसा भाग्य शायद किसी को मिला हो। ये लोग कहते हैं जंगल राज दो उप मुख्यमंत्री का बेटा के पास भी फर्जी डिग्री नहीं है, ये ऑनेस्टी है। आपके जो नेता प्रधानमंत्री हो या स्मृति ईरानी जी हो उनको थोड़ा डिग्री जरा बताइएगा। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय जहां तक सरकारी स्कूल की बात है एक मिनट संदीप सौरभ जी, जहां तक सरकारी स्कूल की बात है महोदय, इनको पता नहीं मेरी 7 बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं, सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल ही में पढ़े हैं, और जहां डिग्री का सवाल है शायद ही बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकता है। संदीप सौरभ जी तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा जस्टिफाई कर दे, ज्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं है। हमारा तो जन्म ही चपरासी क्वार्टर में हुआ फैक्ट्री के नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय उसने पूरी जानकारी इन लोगों को मिलती नहीं है, इसलिए जो बोला है इन्होंने वो रिकॉर्ड से निकलवाया जाए। दिखा दे मानसिक सदन तो महोदय, अरे बैठिए भाई। महोदय मैं कटौती पर बोली। नेता विपक्ष ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको प्रोसीडिंग से निकलवाया जाए, हटा दिया जाए, निर्देश दिया जाए, हटा दिया जाएगा।